Hello, students, welcome to the channel Vedantu NCRT Solutions. I am your master teacher Kanika, and this is a platform where we find solutions of NCRT back exercises of physics, chemistry, and biology. Today, we are solving chapter number five of your. क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी बुक दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस बच्चों आज हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन दैट इज वॉट इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग मैंशन इट्स एप्लीकेशंस तो हमें सबसे पहले बताना है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है बच्चो एज वी नो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किन्नी भी दो ह्यूमन बींग्स का डीएनए आपस में कंपेयर कर सकते हैं दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आपस में कंपेयर कर सकते हैं एंड फॉर दिस वी यूज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस फाउंड यूनिक इन ईच ह्यूमन जिस सीक्वेंस को हम बोलते हैं वी एन टी आर वी एन टी आर रेफर्स टू वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स तो अगर हमें कोई भी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी दो ह्यूमन बींग्स के बारे में फाइंड आउट करनी है सो वी कैन रीड दिस सीक्वेंस ऑफ वी एन टी आर एंड वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दोज ऑर्गैनिज्म राइट क्लियर टू यू और एप्लीकेशन की बात करें डी एन एप डी एन ए फिंगर प्रिटिंग बहुत सारी फील्ड्स में यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड आउट इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन अगर आपको किसी भी पर्सन के डी एन ए फिंगरप्रिंट्स उसकी यूनिकनेस के बारे में फाइंड आउट करना है तो यू कैन वर्क ऑन हिज और हर इंडिविजुअलिटी थ्रू डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग सेकेंडली वी कैन ऑल्सो यू नो सॉल्व पेटर्नल एंड मेटर्नल डिस्प्यूट कभी कभी ऑफ स्प्रिंग रिलेटेड डिस्प्यूट जो हो जाते हैं राइट चिल्ड्रन रिलेटेड डिस्प्यूट आ देर तो इन दैट केस वी कैन यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग उसके अलावा वी कैन यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग टू फाइंड आउट ह्यूमन लीनेज लाइनेज मतलब कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते आ रहे हैं हाउ हैज़ द डी एन ए बी इवोल्विंग सिंस टाइम स्टिल नाउ ठीक है उसके अलावा चलन वी कैन यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन सॉल्विंग क्रिमिनल डिस्प्यूट्स लीगल डिस्प्यूट्स राइट कोई भी यू नो इशू है रिलेटेड टू यू नो सम मर्डर और सम यू नो क्लेम ऑफ पेटर्निटी और मेटर्निटी दैट कैन बी सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग सो बच्चो लेट्स डिफाइन डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग है दैट डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग is a technique DNA fingerprinting is a technique of using technique of using VNTRs that is variable number of tandem repeats these are specific sequences right variable number of tandem repeats variable number of tandem repeats to find out to find out Similarity and dissimilarity, similarity or dissimilarity between two organisms, right? Similarity or dissimilarity between two. ह्यूमंस और टू ऑर्गैनिजम्स क्योंकि हम ह्यूमन्स की डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं राइट सो हैूमन बींग्स ऑल्सो चिल्ड्रन इफ आई टॉक अबाउट एप्लीकेशंस इन एप्लीकेशन यू कैन मैंशन दैट वी कैन यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन वी कैन यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन नंबर वन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअलिटी दैट इज स्टार्टिंग द डी एन ए सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन सेकेंडली वी कैन सॉल्व पटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स ओवर है पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स ओवर है वी कैन ऑल्सो सॉल्व यू नो वी कैन ऑल्सो यूज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन फॉरेंसिक्स इन फॉरेंसिक्स फॉर सॉल्विंग इधर पैटर्निटी और मेटर्निटी डिस्प्यूट्स और यू नो क्राइम क्राइम रिलेटेड और लीगल डिस्प्यूट्स लीगल डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व और राइट और इसके अलावा बच्चों वी कैन ऑल्सो

Doing DNA fingerprinting for, for finding individuality, maternity or paternity disputes. We can find you know forensics reports through you know you know doing DNA fingerprinting and also we can study the human lineage. So I hope you have the solution clear if it is so hit the like button, share this video with your friends, subscribe to channel Vidantu NCRT Solutions. I'll see you next time. Till then, take care, bye bye.